नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, रिया सिन्हा आपके साथ है। अभी तक कोरोना जांच के लिए या तो अपने घरों के बाहर आपको जाना होता था या फिर घरों में ही किसी बाहरी को बुलाना होता था, किसी लैब के आदमी को या फिर किसी हॉस्पिटल के आदमी को, ताकि वो आपके कोरोना जांच कर सके या फिर टेस्ट करवाने के लिए आप किसी लैब जाते थे या हॉस्पिटल जाते थे। ऐसे में संक्रमण का खतरा बरकरार होता था, चाहे आप बाहर जाएं या फिर बाहरी कोई आपके घर पर आए। और अब यह नहीं होगा। बताया आपको कि ICMR ने सेल्फ कोविड टेस्टिंग किट जो है उसको अप्रूव कर दिया है। पिछले वर्ष से ही यह बातें चल रही थी कि कितना अच्छा होता कि सेल्फ कोविड टेस्टिंग किट जो है लॉन्च कर दिया जाता, लेकिन यह पॉसिबल नहीं हो सका पिछले वर्ष, लेकिन इस वर्ष यह पॉसिबल हो चुका है। ICMR ने अब इसे अप्रूव कर दिया है और अब यह मार्केट में अवेलेबल होगा, जो आप खुद उस किट को खरीद कर खुद की टेस्टिंग कर सकते हो। और वो होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसके थ्रू आप 2 मिनट में अपनी टेस्टिंग कर सकोगे और 15 मिनट के अंदर आपको यह पता चल जाएगा कि आप कोविड पॉजिटिव हो या नहीं हो। इसके लिए आपको जो स्वाब है उसको निकालना होगा, उसके अलावा वहाँ उसमें एक ट्यूब भी दिया गया है जिसमें कुछ लिक्विड भी मौजूद होता है। और क्या क्या प्रोसेस है आपको एक वीडियो के द्वारा हम दिखाने भी जा रहे हैं, लेकिन बताया आपको कि 2 मिनट लगता है कुल इसे टेस्ट होने में और 15 मिनट में उसका रिजल्ट भी आ जा सकते हैं। टी जो अगर आ गया तो वो पॉजिटिव कहलाता है। उसके पहले आपको सी साइन आएगा। सी साइन का मतलब ये होता है कि आपने टेस्ट बखूबी किया है, यानी कि ठीक से हुआ है और उस लिक्विड में आपके जो स्वैब से निकाला गया जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपर आ चुके हैं। और उसके बाद वो अगर आप उस किट पर डालते हो तो सी शेप बनता है, यानी कि आपने प्रॉपरली अपना टेस्ट कर लिया है। और अगर 15 मिनट के अंदर वो टी आ जाता है, यानी कि आप कोविड पॉजिटिव हो। ये सारी बातें आगे इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आए इस टेस्ट के बारे में, जो एक बहुत ही सिंपल और सरल टेस्ट है जो आप घर बैठे या जाइए आ जा आप वो वहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस किट के जो कॉन्टेंट्स है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें हमने विस्तार में जानकारी दी है कि आप ये टेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसके बाद इसी मैनुअल में हमारा MyLab CoviSelf ऐप है, जो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसकी भी जानकारी दी गई है। ऐप स्टोर या गूगल प्ले से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह है हमारा MyLab CoviSelf ऐप। इसमें आप इस किट का QR कोड स्कैन करके आपके बेसिक डिटेल्स डाल के टेस्ट के लिए तैयार है। अपने हाथ धोकर उसे सुखाकर एक सैनिटाइज सरफेस पर किट्स के कंटेंट को आप रख दीजिए। सबसे पहले होती है ये बफर ट्यूब, जिसे आपको 2-3 बार टैप करना है और आप इसे अनकैप कीजिए। उसके बाद होता है ये नेजल स्वॉप। ये नेजल स्वॉप के निचले हिस्से को पकड़कर आपको इसे ब्रेक करना है और ये स्वॉब आपको निकालना है। इसके बाद जिस व्यक्ति की टेस्ट करनी है उसके नाक में इसे मात्र 3-4 सेंटीमीटर अंदर आपको डालना है और 5 बार आपको रोल करना है। उसके बाद आपको ये नेजल सैंपल इस बफर ट्यूब में डालना है। इस ट्यूब को प्रेस करके इसे 10 बार आपको हिलाना है। उसके बाद इसमें ये ब्रेक पॉइंट दिया गया है, जहां से आपको इस नेजल स्वॉप को तोड़ देना है ताकि कंटैमिनेशन का कोई खतरा न रहे। उसके बाद आप इस को ये ड्रॉपर के द्वारा टाइटली सील करेंगे और ये जो कैसेट दी गई है इस पाउच के अंदर, ये टेस्टिंग कैसेट आपको दी गई है, इसमें आपको मात्र 2 बूंद 2 ड्रॉप्स ये डालते ही आपकी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और आपको पहले सी लाइन आएगी। सी लाइन का मतलब है कि आपका टेस्ट ठीक से कंडक्ट हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर टी लाइन है। पॉजिटिव केसेस में जनरली 5-7 मिनट में टी लाइन आ जाती है। अगर सी और टी लाइन दोनों आई है इसका मतलब आप पॉजिटिव हो। और 15 मिनट तक आपको रुकना है अगर टी लाइन नहीं आती है तो।
उसका अलार्म भी हमारे ऐप में होगा। वो अलार्म बजते ही जो भी रिजल्ट है, अगर टी लाइन नहीं आई तो इसका मतलब आप पॉजिटिव नेगेटिव हो। तो आपने देखा कि क्या क्या प्रोसीजर है। इस किट का नाम है कोवी सेल्फ, यानी कि सेल्फ आप कोविड टेस्ट कर सकते हैं और इसे गवर्नमेंट के द्वारा भी अप्रूव कर दिया गया है। और एक यह बड़ी राहत की खबर है और बड़ी राहत है कि अब आप अपने घरों में ही कोविड टेस्ट कर सकेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।